Hey guys, welcome back to the channel, and this video is about the most important and hidden features of the Asus TUF A15 laptops. So let's go. सो गाइज दिस वीडियो इज़ द फर्स्ट पार्ट, क्योंकि अगर मैं सारे सॉफ्टवेयर्स इसी वीडियो में इंक्लूड कर दूंगा तो वीडियो विल बी टू लॉन्ग. सो दिस इज़ गोइंग टू बी पार्ट वन. एंड इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट द आर्मरी क्रिएट सॉफ्टवेयर, जो कि एक एसस एक्सक्लूसिव सॉफ्टवेयर है. एंड इस वीडियो में यू विल अंडरस्टैंड एवरी थिंग अबाउट द आर्मरी क्रिएट सॉफ्टवेयर. तो चलिए अब आर्मरी क्रिएट को देखते हैं. जैसे ही आप आर्मरी क्रिएट खोलेंगे, दिस इज़ हाउ दी होम पेज विल लुक. तो सबसे पहले यहाँ पर आपको CPU स्टार्ट्स देखने को मिलता है, जहाँ पर आप फ्रीक्वेंसी देख सकते हैं, यूसेज देख सकते हैं, मेमोरी फ्रीक्वेंसी, टेम्परेचर एंड वोल्टेज देख सकते हैं. सिमिलरली GPU स्टार्ट्स भी आप चेक कर सकते हैं यहाँ से, फ्रीक्वेंसी, यूसेज, मेमोरी फ्रीक्वेंसी, टेम्परेचर एंड वोल्टेज. यहाँ पर आप अपने मेमोरी एंड स्टोरेज का स्टेटस चेक कर सकते हैं. तो जैसे कि आप देख सकते हैं 7.4 GB रैम में से करंटली 4.1 GB यूज़ हो रहा है, एंड स्टोरेज मेरा 27% ऑक्यूपाइड है. एंड अभी CPU फैन एंड GPU फैन 2200 RPM पे चल रहे हैं, एंड द साउंड दैट दे आर प्रोड्यूसिंग इज 24.3. ये यूनिट मेरे को नहीं पता, लॉल. एंड यहाँ पर सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन में आप विंडोज़ की एंड टच पैड दोनों को डिसेबल एंड सिमिलरली इनेबल कर सकते हैं. एंड यहाँ पर आ जाते हैं, तो ये बेसिकली चार मोड्स फीचर करता है. यहाँ पर विंडोज़ है, साइलेंट है, परफॉर्मेंस है एंड टर्बो है. लुकिंग एट द परफॉर्मेंस एंड टर्बो मोड्स, परफॉर्मेंस एंड टर्बो मोड्स आपके बैटरी, मतलब जब चार्जिंग पे है तभी यूज़ करना है. परफॉर्मेंस पे जब आप नॉर्मल काम कर रहे हैं लैपटॉप पे, तभी परफॉर्मेंस पे रखें. एंड अगर आप गेम्स खेल रहे हैं तो टर्बो पे रखें. एंड ये दोनों मोड्स तब यूज़ करें जब आपका लैपटॉप चार्जिंग पे है. अब साइलेंट एंड विंडोज़ मोड की बात करें, तो साइलेंट एंड विंडोज़ मोड तब यूज़ करना है जब आपका लैपटॉप बैटरी पे चल रहा हो. साइलेंट मोड पे तब रखें जब आप मैक्सिमम बैटरी लाइफ चाहते हैं, एंड विंडोज़ मोड तब यूज़ करें जब आपको मैक्सिमम परफॉर्मेंस ऑन बैटरी चाहिए. पर अगर आप मैक्सिमम बैटरी लाइफ चाहते हैं, जैसे आप ट्रैवल कर रहे हैं, तो ऑफकोर्स साइलेंट मोड पर ही रखें. नेक्स्ट फीचर देखें तो यहाँ पर सिस्टम में आप मेमोरी को फ्री अप कर सकते हैं. यहाँ पर GPU पावर सेविंग की कुछ सेटिंग्स हैं यहाँ पर, ऑफ ऑन, तो ये तो है. एंड फिर लाइटिंग में आ जाएंगे तो आप यहाँ पर चार मोड्स देख सकते हैं अपने बैकलिट कीबोर्ड के लिए. कलर चेंज कर सकते हैं आप जो भी कलर चाहें, एंड यहाँ से ब्राइटनेस भी कंट्रोल कर सकते हैं. सिमिलरली यहाँ पर अब ऑरा सिंक की बात आ गई. ऑरा सिंक इज़ अ फीचर इन आर्मरी क्रेट, पर अनफॉर्चुनेटली एसस टफ लैपटॉप्स ऑरा सिंक के कंपैटिबल नहीं हैं, तो इस फीचर को आप यूज़ नहीं कर सकते. एंड नेक्स्ट फीचर की बात करें तो वो है गेम विजुअल. नाउ गेम विजुअल इज़ अ वेरी गुड फीचर प्रोवाइडेड बाय एसस इन द आर्मरी क्रेट. तो इससे बेसिकली आप अपने लैपटॉप के डिस्प्ले के सेटिंग्स चेंज करते हैं इन वेन इट कम्स टू द ब्लू लाइट फिल्टरिंग. तो आप डिफ़ॉल्ट पे ही रखें नॉर्मली, पर अगर मान लीजिए आप कोई रेसिंग गेम्स खेल रहे हैं या और कोई गेम्स खेल रहे हैं, तो ये FPS, RTS/RPG एंड रेसिंग, ये गेमिंग के लिए है. सिनेमा देख रहे हैं तो ये, एंड जब आप लंबे टाइम के लिए काम कर रहे हैं अपने लैपटॉप पे, तो आई केयर पे रखें. आते हैं नेक्स्ट पे, ये है गेम लाइब्रेरी. करंटली मेरे लैपटॉप पे कोई गेम्स नहीं है, वरना जो भी गेम्स आपके लैपटॉप पे हैं वो आप यहाँ से यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, यहीं से डायरेक्टली गेम्स को खोल सकते हैं. एंड अब ये सबसे इम्पॉर्टेंट एंड सबसे बेस्ट फीचर है आर्मरी क्रेट में, तो ये है प्रोफाइल. इसमें मैं एक और प्रोफाइल बना दे देता हूँ ताकि मैं आपको समझा सकूँ. हाँ, तो मान लीजिए मैं इसको गेमिंग प्रोफाइल रख देता हूँ. गेमिंग प्रोफाइल रखने के बाद आप मान लीजिए ये प्रोफाइल तब के लिए है जब आप गेमिंग कर रहे हैं, तो आप विंडोज़ की डिसेबल करके, टच पैड डिसेबल करके, हाइपर फैन DC को परफॉर्मेंस में ही रखें, एंड बाकी सारे सेटिंग्स ऐसी रखें. एंड यहाँ पर आप सी ऑप्शंस दबाएंगे तो यहाँ पे आपके लैपटॉप में जो भी ऐप्स हैं उसमें कोई भी गेम है तो आप वो ऐप इसमें ऐड कर दीजिए. मैं फ़िलहाल एपिक गेम्स कर देता हूँ. तो अब ये प्रोफाइल को जब भी आप एपिक गेम्स खोलेंगे, तो आपका विंडोज़ की ऑटोमेटिकली डिसेबल हो जाएगा एंड टच पैड भी ऑटोमेटिकली डिसेबल हो जाएगा. तो सिमिलरली आप डिफरेंट प्रोफाइल्स बना सकते हैं, उसमें डिफरेंट ऐप्स डाल सकते हैं, एंड वो ऐप ऑटोमेटिकली उस प्रोफाइल पे ही चलेगा.
सेव कर देता हूँ मैं इस प्रोफाइल को। एंड अब यहाँ पर आप कुछ गेम डील्स रिकमेंडेड एंड रिडेम्पशन है, ये बेसिकली जब आप आर्मरी क्रेट के लिए साइन अप कर लेते हैं तो आप ये फीचर यूज़ कर सकते हैं, एंड ये न्यूज़ है। फिर अब आप यहाँ आ जाओ तो ये है यूज़र सेंटर, इसके लिए भी पहले आपको आर्मरी क्रेट में साइन अप करना पड़ेगा। एंड अब सेटिंग्स में आ जाते हैं जो कि है लास्ट। यहाँ पर आप अपडेट सेंटर में जाके आप चेक फॉर अपडेट्स कर सकते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि आर्मरी क्रेट लेटेस्ट अपडेटेड है कि नहीं। एंड जनरल में आपको 3 थीम्स मिलते हैं आर्मरी क्रेट के, तो आरओजी आर्मरी क्रेट का थीम चेक करते हैं, इससे आपका रीस्टार्ट होगा आर्मरी क्रेट। एंड अब आप देख सकते हैं कि जो थीम है आर्मरी क्रेट का वो चेंज हो चुका है। देखिए आर्मरी क्रेट का थीम एकदम चेंज हो गया है, पर पर्सनली मैं टफ आर्मरी क्रेट को ही प्रेफर करता हूँ। एक और फीचर भी है यहाँ पर, एक और थीम भी है, उसको भी यूज़ कर सकते हैं, पर इसी यही वाला मेरे को पसंद है। सो गाइस दैट्स व्हाट दैट वाज इट, इतना ही था इधर। एंड अगर आपको कुछ मिसिंग लगता है या आपको और कुछ जानना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, आई विल आंसर देयर, आई विल आंसर योर क्वेरीज देयर। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज, थैंक यू सो मच। लाइक दिस वीडियो अगर आपको पसंद आया, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, मैनी मोर वीडियोज़ आर गोइंग टू कम। एंड इस वीडियो का पार्ट 2 भी जल्दी आने वाला है, जहाँ पर मैं 2 और सॉफ्टवेयर्स की बात करूँगा जो इस लैपटॉप में है, एंड दैट विल हेल्प यू अ लॉट। सो थैंक यू सो मच गाइज, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, बाय बाय एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।